आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान की नहरों में पानी नहीं आने के मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको बता दें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। सीएम गहलोत ने भगवंत मान से फोन पर बात की। गंग नहर कैलाल में पानी नहीं आने के मुद्दे पर चर्चा की गई। मान ने कहा जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। तो एक बड़ी समस्या किसानों के सामने एक लंबे वक्त से रही है और कई लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब के सीएम से बातचीत की है। बाबूलाल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, अब क्या ये माना जाए कि जल्द ही राजस्थान की नहरों में पानी मिलेगा, लोगों को एक बड़ी समस्या का समाधान होगा? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे की गंभीरता को कई दिनों से वो समझ रहे हैं। लगातार पंजाब सरकार संपर्क में है, अधिकारियों के लेवल पे कई बार बात भी हुई है और आज उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात करी है और उन्होंने उनसे अपील करी है कि जल्द इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए, क्योंकि उत्तरी राजस्थान की नहरों में पानी नहीं आने से बहुत विकट समस्या है। बारिश कम हुई उस इलाके में, लोग पानी की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और सीएम अशोक गहलोत को भगवंत मान ने आश्वासन दिया है कि वो इस मामले की गंभीरता को समझते हैं और जल्द वो समाधान की कोशिश करेंगे। तो लग यही रहा है कि जिस तरह का ट्वीट सीएम का आया है उससे यही लगता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से अश्योर किया है सीएम गहलोत को कि वो जल्द इस मामले का समाधान कराने की दिशा में गंभीरता से कदम उठा रहे हैं। तो माना यही जाना चाहिए कि अगले एक दो दिन में पानी आएगा और उत्तरी राजस्थान की जनता परेशान हो रही है तो उनको भी राहत मिलेगी। सरकार ने अपने लेवल पर जो संभव हो सकता था वो तमाम प्रयास किए हैं और अब देखना है कि पंजाब सरकार ने जो भरोसा दिया है वो उसे कब तक पूरा करती है। बिल्कुल बाबूलाल, क्योंकि पंजाब के सीएम ने भरोसा भी दिया है कि जल्द ही समस्या पर समाधान निकाला जाएगा। किसानों के सामने एक बड़ी दिक्कत थी बाबूलाल, पानी की समस्या थी। अब अगर इससे छुटकारा मिलता है तो उन्हें बड़ी राहत मिलेगी इसके बाद। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी खरीफ की जो फसलें हैं वो पकने की कगार पर है और पानी की सख्त दरकार है। अगर इस वक्त में वो पानी नहीं मिलता है, बाजरा है, मोठ है, ग्वार है, मूंगफली है, इनको तो फिर वो ये फसलें हो नहीं पाएंगी, पक नहीं पाएंगी और बहुत नुकसान किसानों को होगा। तो इस मामले की गंभीरता वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समझते हैं और किसानों का बहुत दबाव है इस वक्त सरकार के ऊपर कि इस वक्त उन्हें पानी मिलना चाहिए। तो और किसान सड़कों पर भी उस इलाके के किसान आंदोलन कर रहे हैं और विपक्ष जो है इसको बड़ा मुद्दा बना रहा है। तो सरकार की कोशिश यही है कि पंजाब की सरकार राजस्थान के किसानों के हित में। बिल्कुल बाबूलाल, क्योंकि किसान इसे लेकर सड़कों पर भी उतरे हैं, बीजेपी ने अपना समर्थन भी दिया। निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी बीजेपी की ओर से की जा रही, लेकिन अब एक बड़ी पहल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई। अब देखना है कि कब तक सफलता मिल पाती है। बहुत शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारियों के लिए। रुक लेते हैं बड़ी खबर।